हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है व्हाट आर द करंट फीलिंग्स ऑफ ए पर्सन। आपके जो पर्सन है, पार्टनर है, लव इंटरेस्ट है, करंटली आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, हम ये जानेंगे। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, हो सकता है कि आपके सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, हो सकता है सिर्फ कुछ परसेंट रेजोनेट करे। तो ओपन माइंडेड होकर आपको सुनना है। ये रीडिंग सभी जोड़ियक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप उनके बारे में सोचिए, उनका नाम सोचिए, ओके, और देखते हैं कि वो करेंटली आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। ये रीडिंग करेंट फीलिंग्स की जो रीडिंग है, ये डेली बेसिस पर होती है। जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें बता देती हूँ। चलिए देखते हैं व्हाट आर द करंट फीलिंग्स ऑफ ए पर्सन। करंट फीलिंग्स, सो हियर वी हैव द फर्स्ट कार्ड ऑफ एम्परर। इंटरेस्टिंग। वेल, आई हैव दिस कार्ड, क्वीन ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, वी हैव फाइव ऑफ वैंड्स। लेट्स टेक वन मोर कार्ड। Ten of Wands. Okay, तो ये कार्ड्स हमने यहाँ पर अरेंज कर दिए हैं। आई होप ये कार्ड्स विजिबल हैं। सबसे पहले व्यूअर्स, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखता है कि कहीं ना कहीं जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये थोड़े से जिद्दी पर्सनालिटी के हो सकते हैं। यानी कि इनका स्वभाव थोड़ा ऐसा होगा कि ये जिद्दी नेचर के इंसान हैं। जो चीज़ इन्हें चाहिए वो चाहिए, जब चाहिए तब चाहिए, और अपने मन की बात पूरी करनी है, अपनी इच्छा पूरी करनी है तो किसी भी तरह से करनी है। तो एक जिद है इनके अंदर कि जो ये पाना चाहते हैं उसे पाने के लिए कुछ भी करते हैं, और जो ये पाना चाहते हैं उसे पाके रहते हैं। यस, ये ऐसे नहीं है कि एडजस्ट कर लेते हैं, गिव अप कर देते हैं, क्विट कर देते हैं, ऐसे नहीं है। ऐसा लगता है कि बहुत जिद्दी हैं। जब बात आती है कुछ पाने की, कुछ हासिल करने की, तो बहुत जिद्दी इनका नेचर है। साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा भी लगता है व्यूअर्स, कहीं ना कहीं इनका जो नेचर है, आपका जो नेचर है, दोनों एक दूसरे को टक्कर देते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप भी बहुत ज़्यादा कुछ वल्नरेबल हैं, बहुत ज़्यादा कुछ वीक हैं इनके आगे, या बहुत ज़्यादा कुछ सबमिसिव हैं इनके आगे। आपकी पर्सनालिटी भी टक्कर की है। यानी कि अगर एक कोई लायन है तो एक टाइगर है, ऐसा है। अगर एक लायन है तो एक टाइगर है, ऐसा है। ऐसा नहीं है कि एक लायन है तो कोई एक शीप है या ऐसा कुछ, ऐसा नहीं। यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं कंपटीशन देते हो इनकी पर्सनालिटी को। ऑल्दो ऐसा नहीं लगता कि आप जिद्दी हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी ऐसा लगता है कि थोड़ा अपनी मर्जी से चलने वाले इंसान हो। आपको भी ना बहुत ज़्यादा दूसरों के इशारों पर चलना, या किसी और के कंट्रोल में रहना, या किसी और के बताए हुए रास्ते पर चलना, आपको भी पसंद नहीं है। आप भी कहीं ना कहीं अपनी शर्तों पे, अपने ही विचारों पे, अपने ही कायदे कानूनों पे ज़िंदगी जीते हैं। आप भी किसी और का ज़्यादा कंट्रोल, इंटरफेरेंस पसंद नहीं करते हैं। यू आर ऑल्सो लाइक दैट। लेकिन आपके पर्सन थोड़े ज़्यादा ज़िद्दी हैं, वो थोड़ा ईगोस्टिक हो जाते हैं एट टाइम्स, थोड़ा ईगो ज़्यादा शो करते हैं, ज़्यादा एटीट्यूड में आ जाते हैं। वहीं पर आप भी अपनी पावर में स्टैंड करते हो, आप भी अपने कॉन्फिडेंस में, अपनी पावर में स्टैंड करते हो। आप भी उनके ईगो के आगे सबमिसिव नहीं होते हो, या उनके ईगो के आगे अपने आप को सरेंडर नहीं करते हो। तो यहाँ पर मुझे एक ईगो बैटल दिख रहा है, दैट इज व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट इट। इसीलिए मैं इस बारे में बात कर रही हूँ। आई कैन सी अ ईगो बैटल, यानी कि दोनों के ईगोस में ना एक बैटल चल रहा है। यहाँ पर आप सोच रहे हैं आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी आइडेंटिटी, आपकी वैल्यू, या आपकी जो वर्थ है, वैल्यू है, कहीं ना कहीं अपनी इम्पोर्टेंस आप समझ रहे हैं, और उसी के लिए आप स्टैंड ले रहे हैं कि आप इनके आगे सरेंडर नहीं कर सकते। इनकी जो भी एक तरह का ईगो है इनका, या कहीं ना कहीं इनकी कोई जिद है, उसके आगे आप सरेंडर नहीं कर सकते। हो सकता है जितना लग रहा है कि ये इंसान ऐसा है कि ये खुद कुछ ना करके ये चाहते हैं कि आप ही करते रहें, आप ही इनके लिए एफर्ट्स लेते रहें, आप ही उनके लिए कोशिशें करते रहें, आप ही इनको कहीं ना कहीं खुश करते रहें, आप इनके लिए इनको अटेंशन देते रहें।
तो वो उन सब चीज़ों को इंजॉय करते हैं. व्हेन यू डू दैट फॉर दिस पर्सन, आप इनके लिए ये सब चीज़ें करते हैं, ज़्यादा अटेंशन देते हैं, केयर करते हैं, प्यार करते हैं, यू नो, और बहुत लविंग है इनके लिए, और उनको वो सब अच्छा लगता है, वो उन चीज़ों को इंजॉय करते हैं, ऐसा लग रहा है. तो यहाँ पर करेंट फीलिंग्स उनकी ये हैं कि वो ये चाहते हैं कि आप ऐसा करते रहें, यू शुड कीप ऑन डूइंग दैट, ऐसा वो एक्सपेक्ट करते हैं. वहीं पर आप इक्वालिटी एक्सपेक्ट करते हैं, जितना आप एफर्ट ले रहे हैं, जितना गिव एंड टेक है, वो आप चाहते हैं बैलेंस्ड फॉर्म में हो. जितना आप करते हैं उतना ही आपके पर्सन को भी करना चाहिए. जितना एफर्ट आप ले रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, जितना ज़्यादा कहीं ना कहीं पुश कर रहे हैं आप अपने आप को या कर चुके हैं, जितना ज़्यादा एफर्ट आपने लिया है, उतना आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये इंसान भी करे, क्योंकि आपके हिसाब से भी और एक्चुअली में भी जो रिश्ता होता है वो दोनों तरफ से म्यूचुअली चल पाता है, इक्वली चल पाता है. अगर दोनों ही इक्वल गिव एंड टेक करते हैं, दोनों ही अगर इक्वली इन्वेस्टेड है, इक्वल एफर्ट्स लेते हैं, इक्वली स्टेप्स लेते हैं एक दूसरे के लिए, इक्वली अपना प्यार एक्सप्रेस करते हैं, तो दोनों इक्वल होते हैं और दोनों तरफ से इक्वल एफर्ट होता है, तो ही वहाँ पर बात बन पाती है, वरना बात बिगड़ जाती है. यहाँ पर आपके पर्सन ज़्यादा स्टेप्स नहीं लेते, इमोशनली भी ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है. अगर वो फीमेल भी है तो भी मैं उनके लिए ही बात कहूँगी कि इमोशनली भी ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, ज़्यादा स्टेप्स नहीं लेते हैं, और ऐसा लगता है कि अब भी आपसे चाहते हैं, और ये उनकी ज़िद है कि वो तो सॉरी नहीं बोल सकते, ये नहीं बोल सकती, वो तो झुक नहीं सकते, अपना ईगो यू नो लेट डाउन नहीं कर सकते, या बहुत ज़्यादा यू नो वल्नरेबल नहीं हो सकते, ऐसे बोल नहीं सकते आई मिस यू, कम बैक, ये सब चीज़ें नहीं करेंगे. आपको वापस आना पड़ेगा, आप ही वापस आओ, आप ही एक्शन लो, आप ही एफर्ट लो. कहीं ना कहीं एक जिद है कि मैं तो कुछ नहीं करने वाली, मैं तो कुछ नहीं करने वाला, अब आपको करना है तो करो आपको, वरना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो कहीं ना कहीं ये जो इंसान है ये अपने ईगो को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, अपने ईगो को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, अपना ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए ज़्यादा इच्छुक हैं, ऐसा लगता है. वहीं पर व्यूअर्स, आपने जो इनका पैटर्न देख लिया है, अब आपको भी इनका पैटर्न समझ में आ गया है कि ये इंसान इस तरह से ऑपरेट करता है, ऐसे ऐसे बिहेव करता है या करती है, तो आपने भी अब इनके ईगो को बूस्ट करना बंद कर दिया है कि जो जो ये चाह रहे हैं, जो जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिद में रहकर, ईगो में रहकर, वो सब आप इनके लिए करते रहे, वो अब आपने भी बंद कर दिया है. क्योंकि अब आप इनके ईगो को और ज़्यादा बूस्ट नहीं कर सकते, और ज़्यादा बढ़ावा नहीं दे सकते इनके इस अहंकार को, इस घमंड को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दे सकते. कहीं ना कहीं आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, ओके, अपनी डिग्निटी के लिए, अपनी रिस्पेक्ट के लिए, अपनी वैल्यू के लिए, इम्पोर्टेंस के लिए, आप भी अब स्टैंड ले रहे हैं. और स्टैंड लेने से मेरा मतलब है कि अब आप भी सोच रहे हैं कि मैं भी कुछ नहीं करूँगी, ओके, मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, या मैं भी कुछ नहीं करूँगा, मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, या मेरी भी वैल्यू है, मेरी भी कहीं ना कहीं आइडेंटिटी है, मैं आपके लिए हमेशा सबमिसिव नहीं रह सकता. अगर आप इक्वल एफर्ट्स नहीं ले सकते, अगर आप इक्वली अपने इमोशंस, टाइम, एनर्जी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो फिर मैं भी आपके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर सकती, नहीं कर सकता. आप कितना भी एक्सपेक्ट करते रहिए मुझसे कि मैं करूँ, लेकिन मैं भी कुछ नहीं करूँगी, मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, या मैं भी कुछ नहीं करूँगा. तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स, एक टक्कर की वॉर है यहाँ पर, एक टक्कर का बैटल है, ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच. हो सकता है सिर्फ आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कर रहे हैं ऐसा, आप चाहें तो वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अब भी कर सकते हैं, लेकिन अब आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इनका ईगो बूस्ट होता है कि वो जो जो जिद करते हैं, या वो जो जो ईगो में वो जो जो चीज़ें चाहते हैं, अगर वो चीज़ें आप करते रहेंगे तो उससे उनका ईगो मल्टीप्लाई होगा या इन्हांस हो जाएगा, और ज़्यादा उनका घमंड टूटेगा ही नहीं, वो बढ़ता जाएगा. इसीलिए आपने सोचा है कि अब आप स्टैंड लेंगे और अपनी ही पावर में, अपनी पोजीशन में स्टैंड करेंगे, ज़्यादा सबमिसिव नहीं होंगे. तो इनको भी इनकी टक्कर का कोई मिला है पहली बार, ऐसा लगता है इनको भी इनके बराबर का कोई मिला है जो कहीं ना कहीं इनके ईगो के आगे सरेंडर नहीं कर रहा आसानी से. तो ये एक ऐसा पॉइंट हो सकता है जहाँ इस पर्सन का घमंड टूटेगा, ये ऐसा फील कर पा रहे हैं. दे आर फीलिंग इट कि अब आप भी झुक नहीं रहे हो, अब आप भी एफर्ट नहीं ले रहे हो, अब आप भी इनकी जिद पूरी नहीं कर सकते हो, या अब आप भी अपनी पावर में स्टैंड कर रहे हो, आप भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, और ये ऐसा भी सोच रहे हैं कि ये खुद तो कुछ नहीं करने वाले. तो इनका एक बैटल है ये,
इनका आप दोनों के बीच और ये बैटल चल रहा है, आपके पर्सन इसी बारे में सोच रहे हैं कि आप भी कुछ नहीं कर रहे, वो भी कुछ नहीं कर रहे, पर वो तो कुछ नहीं करने वाले, वो ऐसा सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि कुछ कर नहीं रहे हैं, तो उनके मन में इच्छा नहीं है। देखिए व्यूवर्स, वो चाहते हैं कि उनकी आपसे बात हो, उनकी आपसे यू नो कम्युनिकेशन रहे, उनका आपके साथ कनेक्शन रहे, वो ये सब चाहते हैं। इसीलिए तो वो चाहते हैं कि आप एफर्ट ले लो, आप ही बात कर लो, क्योंकि उनको ये तो चाहिए कि वो आपको प्राप्त करें, आप उनके ही रहो, आप उनसे बात करो, कहीं ना कहीं उनके साथ रहो, या उनको अटेंशन दो, उनको ही प्यार करो, उनका केयर करो, वो ये सब चीज़ें आपसे चाहते हैं। आपसे ऐसा अटेंशन, ऐसा केयर, ऐसा प्यार वो चाहते हैं, आपको प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी चाहत के लिए आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये भी आप करो काम। क्योंकि अगर आप एफर्ट ले लोगे, माफ़ी मांगोगे, या सबमिसिव रहोगे, या सरेंडर करोगे बहुत सारी चीज़ों में, तो आप लौट कर तो आ ही जाओगे। तो आप लौट कर आ जाओगे तो उनकी इच्छा तो पूरी वैसे भी हो जाएगी। आप लौट कर आ गए, वो चाहते भी थे कि आप उनके पास ही रहे, उनके पास आ जाए, तो वो अंदर से तो चाहते हैं ऐसा कि वो आपसे दूर ना हो। अंदर से ऐसा चाहते हैं कि आपसे दूर ना हो, अंदर से ऐसा भी चाहते हैं कि वो, अगर ये ईगो बैटल ना होता, या अगर कहीं ना कहीं वो अपने ईगो को लेकर इतना ज़्यादा ना सोचते, तो व्यूअर्स ऐसा लगता है कि वो इतना ज़्यादा आपसे बात करना चाहते हैं, इतना ज़्यादा आपसे मिलना चाहते हैं, या इतना ज़्यादा आपके पास आना चाहते हैं कि वो भागकर दौड़कर मौका मिलते ही आपके पास भागकर आ जाते। क्योंकि यहाँ पर ऐसा, ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, बहुत फास्ट स्पीड को दर्शा रहा है। बहुत फास्ट स्पीड में ये आपके पास आ जाते अगर ये ईगो बैटल यहाँ ना चल रहा होता, क्योंकि अंदर से ही ऐसा ही फील कर रहे हैं कि ये जल्दी से बस आपके पास कैसे भी पहुंच जाए, बस जल्दी से कैसे भी आपके पास आ जाए, ऐसा ये फील कर रहे थे या फील कर रहे हैं। यस, तो इच्छा तो है आपके पास फास्ट एनर्जी में, फास्ट स्पीड में मूव करने की, लेकिन क्योंकि दूसरे इश्यूज हैं यहाँ पर ईगो वगैरह के, इसीलिए ये इंसान स्टेप नहीं लेता। यहाँ पर ऐसा भी लगता है व्यूअर्स कि इनके मन में ये फियर भी है, फियर नहीं कह सकते पर हाँ थोड़ा डाउट कह सकते हैं। इनको ऐसा लगता है व्यूअर्स कि अगर आप भी इनके लिए कोई एफर्ट नहीं ले रहे हो, आप भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको इनसे बेटर कोई मिल जाएगा। इनको इसका डर है कि अगर इनकी ज़िद पूरी नहीं हुई, आप भी अपने जो जिस चीज़ में आप अपने ईगो में हो, उनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी पावर में हो, अपने कॉन्फिडेंस में हो, तो अगर आपने सरेंडर नहीं किया, आपने एफर्ट नहीं लिया, तो आपके पास बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं। और क्योंकि वो तो अंतर मन से, अंदर से आपको पाना चाहते हैं, वो ये सोच कर थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाते हैं कि आप दोनों ही अगर एफर्ट नहीं लोगे तो आपके पास व्यूअर्स और भी ऑप्शन हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि वो अकेले नहीं हैं जो आपको पसंद करते हैं, और भी लोग हैं जो आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, आपको अटेंशन देते हैं, आपको अप्रोच करते हैं, प्रपोज करते होंगे, या कहीं ना कहीं कोई फ्रेंडशिप, कोई प्यार ऑफर करता होगा। या तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि वो इस बात से थोड़ा सा टेंशन में आ जाते हैं कि कोई और उनकी जगह ले लेगा, और वो अभी भी इस बात को लेकर टेंशन में है। वो आपके पास भाग कर आना चाहते हैं विदाउट ईगो, विदाउट हेजिटेशन आपके पास पहुंचना चाहते हैं, लेकिन उनका ईगो उनको रोकता है। साथ ही साथ उनके मन में थोड़ा सा ये टेंशन आता है, ये आ रहा है कि व्यूअर्स कोई और उनकी जगह ना ले ले, कोई और आपको अपना ना बना ले। वो इस इंतज़ार में बैठे रहे कि मैं जिद पर बैठा रहूँगा, बैठी रहूँगी, आप ही को आना पड़ेगा, दिस एंड दैट, तब तक ऐसा ना हो कि कोई इनकी जगह ले ले और कोई आपको अपना बना ले। या तो ये इस बात से थोड़ा सा डर रहे हैं, टेंशन में हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है व्यूअर्स कि आपसे क्योंकि बात नहीं हो रही, और कहीं ना कहीं आपसे इमोशनली, या कह सकते हैं इमोशनली एक अच्छे टर्म्स पर नहीं है ये इंसान, एक अच्छा कम्युनिकेशन, अच्छा एक्सचेंज, एक अच्छा इंटरेक्शन, एक डीप लेवल कॉन्वर्जेशन, यू नो वो सब चीज़ें आप लोगों के बीच नहीं हो पा रही हैं। तो इस बात से उन्हें भी इमोशनली बहुत हैवी फील होता है, क्योंकि जस्ट बिकॉज ये इंसान थोड़ा ईगोइस्टिक है, इसका मतलब ये नहीं कि इनको इमोशंस फील नहीं होते, या ये आपको पाना नहीं चाहते। दे वॉन्ट एवरी थिंग,
लेकिन ये एक्सपेक्ट ज्यादा करते हैं, डिमांडिंग ज्यादा है ये इंसान, तो ये इनको इमोशनली बहुत हैवी फील हो रहा है आपसे दूर होकर। ओके, वो एक इमोशनल बर्डन बन गया है इनके लिए, साथ ही साथ उन्हें स्ट्रेस भी होने लगा है कि कोई और उनकी जगह ना ले ले, कोई और आपको इम्प्रेस ना कर दे। व्यूअर्स, यहाँ पर फायर साइन है, एयर साइन है, फायर और एयर दोनों बहुत प्रोमिनेंट साइन है, लेकिन ये रीडिंग सभी जोडियक साइंस के लिए है, आपका और आपके पर्सन का कोई भी जोडियक साइन हो वो रेजोनेट कर सकता है। ओके, वे रीडिंग रेजोनेट कर सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि ये मन ही मन चाहते हैं कि आप लौट आओ, आ ही जाओ, कैसे भी आ जाओ, तो वो एक तरीके की मैनिफेस्टेशन यहाँ चल रही है, अननोइंगली चल रही है, यानी जानबूझ के मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं, अनइंटेंशनली अननोइंगली बिना जाने मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बिना मैनिफेस्टेशन को सोचे वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। यानी कि उन्होंने ऐसा नहीं सोचा होगा कि चलो मैनिफेस्ट करता हूँ करती हूँ, लेकिन वो आपको इतना शिद्दत से अपने पास चाहते हैं, इतना जिद से चाहते हैं, इतना पैशनेट होकर चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली नेचुरली ये एक मैनिफेस्टेशन हो गया है। तो ये ऐसा लगता है कि एनर्जी वाइज आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आई नीड वन कार्ड एट वन टाइम, लेकिन खुद कोई एक्शन नहीं ले रहे, दे आर वेटिंग, दे आर जस्ट वेटिंग एंड थिंकिंग, वो खुद कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो बस चुपचाप से वेट कर रहे हैं और बस सोच रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन भी चल रही है नेचुरली, लेकिन ये खुद कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। मुझे लगता है व्यूअर्स के इनको ना अपने आप को थोड़ा हील करने की जरूरत है, और हीलिंग की जरूरत इसीलिए नहीं है कि ये बहुत हर्ट है या बहुत सफर कर रहे हैं, इनको हील करने की जरूरत अपने आप को इसीलिए है, या इसीलिए खुद को हील करने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पर ये जो इंसान है ये अपने ईगो के चक्कर में, अपने पावर और ईगो और इन सब चीजों के चक्कर में, एटीट्यूड वगैरह के चक्कर में वो अपने प्यार को खो रहे हैं, क्योंकि उनका हार्ट चक्रा जो है ऐसा लगता है ब्लॉक्ड है। ओके, अनएक्टिवेटेड है, ब्लॉक्ड है, बैलेंस्ड फॉर्म में नहीं है, इनको अपने हार्ट को हील करना पड़ेगा तभी इनका हार्ट चक्रा उस तरह से एक्टिवेट होगा और बैलेंस्ड फॉर्म में आएगा। तो इनको कहीं ना कहीं अपने हार्ट को हील करना, इनका जैसे दिल हार्ट चक्रा जो है क्लोज्ड ऑफ लगता है, ब्लॉक्ड लगता है, क्योंकि ये दिल की चीजें नहीं कर रहे हैं, दिमाग की चीजें कर रहे हैं। ओके, अकल लगा रहे हैं, माइंड गेम्स खेल रहे हैं, लेकिन दिल से नहीं सोच रहे हैं, इमोशनली नहीं देख रहे हैं सिचुएशन को, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि ये अपने हार्ट को हील करें और अपने हार्ट को अलाउ करें, अपने हार्ट को अलाउ करें और ओपनली अपने प्यार को एक्सेप्ट भी करें, एक्सप्रेस भी करें। ये सभी जोडियक साइंस के लिए है रीडिंग। कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स या नंबर्स हो सकते हैं 10, 20, 30, 5, 15, 25, 4, 14, 24, 1, 11, 21, 31। सो दिस वॉज द रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा भी गाइड किया है या थोड़ा भी रिलेटेबल रही है, हेल्पफुल रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कितने परसेंट रेजोनेट करती है, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, टेक केयर।